नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी टेकैस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक मिनी ब्लूटूथ स्पीकर की, जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया है। आप अमेजोन की पैकिंग भी देख सकते हैं इस बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बॉक्स को कर लेते हैं कट। तो दोस्तों, हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है एक बिल मिल जाता है हमें, जिस हम साइड में रखते हैं, सब बाद में देख सकते हैं। और दोस्तों, एक हमें मिनी स्पीकर मिल जाता है और इस बॉक्स में और कुछ नहीं होता, तो बॉक्स को रखते हैं साइड में। और दोस्तों, ये हमारा मिनी ब्लूटूथ स्पीकर। दोस्तों, इस बॉक्स में बहुत सारी आप हाईलाइट्स देख सकते हैं, बहुत सारी इसमें स्पेसिफिकेशन दे रखी है, हमें आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप पहले देख सकते हैं इसका वर्जन 2.1 है, जिसका ब्लूटूथ वर्जन है। और दोस्तों, इसकी वर्किंग रेंज आप देख सकते हैं 10 मीटर की रेडियस में आप इसे यूज़ कर पाएंगे। और वर्किंग टाइम आपको 5 घंटे इसकी मिल जाती है, आपको 5 घंटे के बाद इसको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। और दोस्तों, आप इसका वेट भी देख सकते हैं 230 ग्राम है, जो कि बहुत ही पोर्टेबल हो जाता है, आप आसानी से इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इसकी बैटरी चार्जिंग देख सकते हैं, आप कैपेसिटी देख सकते हैं दोस्तों बैटरी की, 520 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। और बैटरी रिचार्ज टाइम देख सकते हैं 2 घंटे के अंदर ही रिचार्ज हो जाती है। तो बस दोस्तों, ये मिलती है आपको बॉक्स में, और बॉक्स को करते हैं ओपन। दोस्तों, आपको सबसे पहले मिलता है एक डाटा केबल, जिससे आप अपने ब्लूटूथ को चार्ज कर पाएंगे। इसे साइड में रखते हैं हम और बॉक्स को करते हैं ओपन। तो दोस्तों, एक मिल जाता है स्पीकर और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता, तो बॉक्स को रखते हैं हम साइड में। तो दोस्तों, यही हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है, जो कि बहुत ही छोटा है और इसे कैरी करना भी बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, पहले देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिल जाता है हमें फीचर्स। तो दोस्तों, पहले मिलता है चार्जिंग पोर्ट, मोड के ऑप्शन और कुछ गाने के जो आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ मोड चेंज करते हैं, ये स्टॉप और प्ले के बटन्स। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हमें मिल जाता है एक मेमोरी कार्ड स्लॉट, जिसे अपने मेमोरी कार्ड से भी गाने को प्ले कर सकते हैं। और मिल जाता है एक ऑन ऑफ स्विच, एक माइक मिल जाता है, और साथ ही मिल जाता है USB पोर्ट, जिसे आप अपने पेन ड्राइव या कार रीडर से भी गाने प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इसे ऑन कर लेते हैं हम पहले। दोस्तों, हमारे ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो चुका है, और शायद आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और इधर की साइड आपको लाइटिंग दिख जाती है। मैं आपको एक पिक्चर दे दूंगा, जैसे आप देख सकते हैं इसमें लाइट जलती है नहीं जलती। तो दोस्तों, इसे करते हैं हम अपने मोबाइल से कनेक्ट। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ओपन कर लेना है, और फिर आपको इसमें पेयर करना है A18 जो इसका ब्लूटूथ एड्रेस है, इसे हम पेयर कर लेते हैं। दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं कनेक्ट है। और फिर हम इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा मैं आपको इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी है, और इसकी जो आवाज़ होती है वो हल्की सी फटती है, ज़्यादा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी सब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट दिया है अमेज़न ने।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें अंदर की साइड लाइट भी जल रही है, अंदर की साइड आपको यहाँ पे पूरी बाउंड्री में एंड ऊपर की साइड भी इसमें लाइट जलती है। बहुत ही प्रोफिटेबल है, और आपको ये परचेस करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली परचेस कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है, मिलता है अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। Just